नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूं दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बि अन्नी अशहदु अन्नक अंतल्लाह لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्ला बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, ये दुआ सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इस्मे आज़म के वसीले से दुआ मांगी है, और इस्मे आज़म के वसीले से जब दुआएँ मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक ताला उसको ज़रूर पूरा करता है। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत कायम होने से पहले सैलाबी के लिए परेशान रहे, अब हमारी रियासत में कई तरक्याती काम कर रहे हैं। एमपी कविता के साथ 16 सीटों पर कामयाब करे वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपील की। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में जिले एमपी टीआरएस के उम्मीदवार कविता को आर्मर हलके से भारी अक्सरियत देंगे आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी। रियासत में जात पात के बगैर तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर केसीआर है, निजामबाद अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता। वाटर हीटर अचानक लगने से 1-7 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया, वक्त पर दवाखाने शरीक करने से जान का धोखा टला है। रुख करेंगे तफसील की जानिब। डबल बेडरूम मकानात की तामीर गैर मियारी ना रहने दी अहदेदार कॉन्ट्रैक्टरों को, रियासत असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम दिए, तरक्की में तेलंगाना रियासत दौड़ रही है। बांसवाड़ा हलके में पुराने बांसवाड़ा शहर में जारी बस तरक्याती प्रोग्रामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुद मुआयना किए। शहर में एसी कॉलोनी नड़कुड़ा कॉलोनी में पद यात्रा करके कामों के मुतालिक पूछताछ की। डबल बेडरूम मकानात, ड्रेनेजेस, पीने के पानी का मसला, सीसी सड़क के तामीरी काम गैर मियारी ना रहने दे, अहदेदार कॉन्ट्रैक्टरों को मियारी काम वक्त पर मुकम्मल करे, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन और दीगर ने हिस्सा लिए। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीआरएस पार्टी में शरीक हुए साबिक एमएलसी अरकेला नरसरेड्डी बड़ी इज्जत के साथ आरएनबी महकमे हाउसिंग वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को उनके मकान पर मुलाकात की। साबिका एमएलसी और साबिका टीटीडी बोर्ड रुकन अरगिला नरसा रेड्डी इसी तरह कांग्रेस से टीआरएस पार्टी में शरीक होने के सिलसिले में आज वेलपुर वजीर के कैंप ऑफिस में मुलाकात की। अरगिला नरसा रेड्डी को वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश किए, उनके साथ नरसा रेड्डी के हमदर्द भी मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी अपने इंतखाबात की जिम्मेदारी से हट गए, इसके मुताबिक वो पार्टी हाईकमान को एक खत लिखे।
फिल वक्त की सूरत हाल में निजामबाद एमपी के हदूद में प्रचार की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वो खत में बयान किए किसान ज्यादा तादाद में नामजदगी दाखिल करने से उनकी सूरत हाल को देखकर ये फैसला किया हूँ, मीडिया के नुमाइंदों को बताया। ये खत पार्टी सदर राहुल गांधी को भेजने पर पार्लियमान इंतखाबात के हिस्से में पार्टी हाईकमान मुझे निजामबाद पार्लियमान का इंचार्ज मुकर्रर करके पार्टी उम्मीदवार मधु याचिकी गौड़ की तायद में तशहीर करने के अहकामात जारी किए। लेकिन एमपी उम्मीदवार मधु याचिकी गौड नामजदगी दाखिल करते वक्त से अभी तक सुदर्शन रेड्डी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिए। दो दिन के नीचे जिले में आए वो अपने हमदर्दों से इजलास तलब करके ताजा सूरत हाल का अंदाजा लगाए। पार्लिमानी हुदूद में 175 किसान नामजदगी दाखिल करने से ये फैसला किए है बताया। किसानों की तायद में मुझे कांग्रेस हाई कमान डी इंचार्ज की जिम्मेदारी से हट रहा हूँ बताया। ये बात रियासती इंचार्ज के साथ हाई कमान को भी बताया हूँ। तशहीर की जिम्मेदारी से ही हट रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूंगा बताया। निजामबाद पार्लियामेंट कांग्रेस इंचार्ज के तौर पर हाई कमान साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी को मुकर्रर करने से पार्टी कायदीन में थोड़ा जोश पैदा हुआ है। उनसे मिलकर तशहीर में जाए पार्टी कैडर के साथ कायदीन भी ख्याल किए। फिल वक्त वो प्रचार की जिम्मेदारी से हटने का ऐलान करने से वो परेशान हो गए। अभी तक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बाज अफराद टीआरएस में शरीक हो गए। सीनियर लीडर अर्किला नरसा रेड्डी भी दो दिन के नीचे टीआरएस में शरीक हुए। फिल वक्त मौजूद कायदीन में तालमेल नहीं रहने की वजह से प्रचार करने पीछे हट रहे। फिल वक्त की सूरत हाल में सुदर्शन रेड्डी दूर है तो उन हमदर्द भी मुकम्मल सतह पर तशहीर करने का कम इम्कान रहेगा। पार्टी कायदीन ख्याल कर रहे इंतखाबात जोर पकड़ने के दौरान इंचार्ज की जिम्मेदारी से वो हटने पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पार्टी कायदीन का कहना है, जिले में सूरज अपना हकीकी रूप दिखा रहा है। शिद्दत की धूप में फलों के ठंडे रस, मशरूबात, नारियल पानी पीते हुए और आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी गर्मी से राहत पा रहे हैं। जारी साल दर्ज हरारत में रफ्तार रफ्तार इजाफा हो रहा है। सुबह 9 बजे से शिद्दत की धूप अवाम को परेशान कर रही है। मार्च में धूप इस तरह रहने पर अवाम खौफ खा रहे हैं। जैसे फलों के रस नारियल की दुकानात के पास भीड़ लगी है। बढ़ रहे दोपहर के दर्ज हरारत के दौरान ताजरीन अपनी तिजारत गुज़िश्ता फरवरी से शुरू किए हैं। जिले मुस्तकर के अहम चौरास्तों पर जिधर देखो नारियल, फलों के रस, आइसक्रीम दुकानात दिखाई दे रहे हैं। प्याज बुझाने अवाम ठंडे मशरूबात, वाटर पैकेट, वाटर बॉटल खरीद रहे। नारियल व फलों के रस, लस्सी और दीगर की डिमांड भारी हो रही है। नारियल की कीमत 30 रुपए से 35 रुपए तक, फलों का रस 20 से 30 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। इसके साथ अंगूर की फरोख्तगी भी जोर पकड़ी है। तेलंगाना रियासत कायम होने से पहले सैराबी के लिए परेशान रहे, अब हमारी रियासत में कई तरक्याती काम कर रहे हैं। एमपी कविता के साथ 16 सीटों पर कामयाब करे, वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अपील किए। बालकुंड हल्के में आरएनबी महकमे हाउसिंग के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी मोपाल मेंडूरा मंडलों में पार्लिमानी इलेक्शन तस्वीर किए। एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा करते हुए पहले वेमपल्ली कोतापल्ली बोसापुर देहातों में रोड शो करके इलेक्शन तस्वीर किए। गाँव वालों ने जबरदस्त तरीकों से इस्तकबाल किए। शाम में मेंडूरा मंडल में सोनपेट पोचम पहाड़ देहातों में एमपी कविता की जानिब से इलेक्शन तस्वीर किए। कई देहातों के सरपंच कांग्रेस टीडीपी से ताल्लुक पार्टी अरकान वजीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शरीक हुए। आने वाले एमपी इंतखाबात में कार को कविता को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने प्रशांत रेड्डी ने अपील की। इस सिलसिले में कई देहातों में हुए रोड शो में वजीर प्रशांत रेड्डी ने हिस्सा लेकर खिताब किए। गुज़िश्ता हल्दी बोर्ड के लिए एमपी कविता मरकजी विज़रा के साथ पीएम से भी मुलाकात करने पर भी रजामंद नहीं हुए। अब बीजेपी कांग्रेस कायदीन गलत तस्वीर कर रहे बताकर बरहम हो गए। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल कायदीन अरकान और दिगर ने సింగ్ ఒప్పుకున్నాడు మేము అధికారం రాగానే ఇస్తామని అయిపోయింది. 2014లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది, బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది, ఈయననే అధికారంలోకి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు కవిత ఏం చేసిందంటే అధికారం ఉన్నాడు కదా అని ఐదేళ్ల నుంచి కవిత అడుగుతా ఉన్నది. ఐదేళ్ల నుంచి మా ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ తీసుకుపోయి మా డీడీ చేసే అక్క చెల్లెలకు కూడా ఈ దేశంలో ఎక్కడ ఎవరు ఏది ఇవ్వట్లేదు. కానీ మన కవితక్క తండ్రి కేసీఆర్ ని ఒప్పించి బీడీలు చేసే అక్క చెల్లెళ్ళకు కూడా 1000 రూపాయలు, ఒంటరి మహిళలకు ఎవరు పట్టించుకోలేదు దేశంలో. మన కవితక్కనే తండ్రి కేసీఆర్ ని ఒప్పించి ఒంటరి మహిళలకు ఇట్లా వివిధ వర్గాల వారికి ఒకరొకరుగా చేర్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటా ముందుకు పోతున్నాం. పోయిన సందర్భంలో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి,
65 సంవత్సరాలు 2-3 ఏళ్ళకు ఒకసారి వస్తున్నాయి. దానికి ఆలోచన జరిగింది. పోచంపా నింపాలి గోదావరి జలాలతో. ఇంతకు ముందు కూడా అనుకున్నారు, అడిగినాం చాలా సార్లు. ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు పాలిస్తున్న సమయంలో మరి తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు ఎట్లా, తెలంగాణ భూములకు నీళ్ళు ఎట్లా అని అడిగితే వాళ్ళు అన్న మాట వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. వాళ్ళు ఏమంటుండే ఎప్పుడంటే, అబ్బా మీకు ప్రాజెక్టులా అండి, అంటే ఇలాగొస్తాయండి, గోదావరి కింద ఉంది కదండి, గంగ కింద నుంచి వెళ్తుంది కదండి, మీరు పైన ఉన్నారు కదండి, మీకు నీళ్లు రావండి, ఎలా వస్తాయండి, మనం నమ్మినాం. అప్పుడు అట్లా కిందికెళ్ళి పోతాయి కదా, మనం పైన ఉన్నాం కదా, నీళ్లు రావు కదా అని నమ్మినాం మనం. మనం అట్లనే ఉంచారు నమ్మకంగా. కానీ పుట్టిండు ఒక మొగుడు కేసీఆర్, అడిగిండు ఎంత రావరా బిడ్డ మాకు నీళ్లు అని అడిగిండు. లిఫ్టులు పెట్టు, మోటార్లు పెట్టు, ఎత్తి పొయ్యి పైకి, ఎందుకు రావరా అని అడిగిండు. रियासत में जात पात के बगैर तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वजीर आला केसीआर है. निजामाबाद अर्बन एमएलए बीकारा गणेश गुप्ता. निजामाबाद शहर में 40, 43, 44, 47 डिवीजन के बूथ कमेटी की मीटिंग हुई. ये इजलास में एमएलए गणेश गुप्ता मेहमान खसूसी के तौर पर हाजिर होकर खिताब किए. तेलंगाना रियासत हासिल करने के बाद तमाम तबकात की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर कोशिश कर रहे. एमएलए भीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि अभी तक जायफों को दे रहे 1000 वजीफा, आने वाले माह से 2000 देकर चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं बताया. इसी तरह कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़कियों को 1,116 देकर लड़की के वालिदैन को चीफ मिनिस्टर केसीआर सहारा दे रहे बताया. इसी तरह तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद निजामाबाद शहर काफी तरक्की किया है बताया. निजामाबाद को मजीद तरक्की देने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में निजामाबाद से मुकाबला कर रहे एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे. एमएलए ने अवाम से अपील की. ఆ రోడ్ల పోతే చుక్కలు కనిపిస్తుండే, ఎన్నోసార్లు 10 సార్లు నా కార్ దిగబడుతుండే. అటువంటి రోడ్ని ఇలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్ చేసాం. మీకు గిరిజన కాలేజ్ పక్క నుంచి బైపాస్ పోయినటువంటి రోడ్డు సింగిల్ రోడ్ ఉండే. ఇంకొక కార్ ఎదురుకు వస్తే ఒక కార్ పడిపోతుందేమో భయం అయితుండే. కానీ ఈ రోజు దాన్ని కూడా డబుల్ రోడ్ చేసాం. కలెక్టరేట్ దుబ్బో లేవనుకుంటుండే, అదే సిటీ అంతా గడ్డున్నదిగా పోయి మనం అంతా గిడ్డున్నాం అనుకుంటుంది. కాదు, ఇప్పుడు మీరంతా గిడ్డున్న వారంతా గడైపోయారు. కరెక్ట్ ఐటీ హార్బర్ 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మీరు సైనికుల యొక్క పనిచేయాలి. ఎంత ఎండున్నా మనం పోయి ఆ నాడు నిలబడి ఖచ్చితంగా మనం ఓటేయాలి. కారు గుర్తు మీద నాకు తెలిసి అందరికీ కారు గుర్తు అంటే తెలిసిపోయింది. కారు గుర్తు మీద आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में जिले एमपी टीआरएस के उम्मीदवार कविता को आर्मर हलके से भारी अक्सरियत देंगे आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी. आर्मर मंडल में मामड़ीपल्ली गांव में वाक़ वेंकटेश्वरा कॉलोनी में अपने मकान में गांव के सरपंचों व अहम कायदीन से एमएलए ने इजलास मुनाकिद की. कल आर्मर मंडल में हो रहे कविता के रोड शो और जलसेआम को कामयाब बनाने कायदीन को मशवरे दिए. इस सिलसिले में एमएलए ने बताया कि कविता की कामयाबी यकीनी है, सिर्फ भारी अक्सरियत के लिए बचावत कर रहे. आर्मर हलके से 1,00,000 अक्सरियत आने की तरह कायदीन वर्कान हर एक शख्स काम करे. वक्त कम रहने की वजह से रोजाना मेहनत करके कविता को अक्सरियत लाए. गुज़िश्ता 4.5 साल हुई तरक्की, 2% तरक्की पहले कर लेंगे बताया. इस प्रोग्राम में हलके के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन लिंगागौट, शहर के सदर गंगाधर, मंडल सदर लिंगा रेड्डी, काउंसलर, सरपंच, एमपीटीसी कायदीन और दिगर ने हिस्सा लिए. ఎంపీ కవిత గారిని ఆశీర్వదించి కారు గుర్తుకు ఓటేయాల్సిందిగా ప్రజలందరికీ చేతులు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ సభలు పెట్టినా కానీ జనం జనం ప్రభంజనం కొనసాగుతూ ఉంది. గతంలో కూడా ఈ ప్రాంతంలో మోడీ గారు వచ్చారు, కేడీ గారు వచ్చారు, ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాకు ప్రచారానికి రాహుల్ వచ్చారు, అనేక మంది నాయకులు కూడా వచ్చారు. కానీ ఎవరి మంత్రంగం చెల్లలేదు. ఇక్కడ కేవలం కేసీఆర్ మంత్రంగం చెల్లింది. 7 నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా 30,000 పైచిలుకు మెజార్టీతో 30,000 మెజార్టీతో మేము గెలవడం జరిగింది. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం, పాల్కొండ, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ రూరల్, నిజామాబాద్ అర్బన్, బోధన్, మెట్పల్లి, జగిత్యాల ఏ విధంగా విజయం సాధించామో ఆర్మూర్లో 30,000 మొన్న నాకు వస్తే ఇప్పుడు 3 అంతలు పెరిగి దాదాపుగా 100,000 మెజార్టీతో మరి రేపు పొద్దున ఎంపీ కవిత గారిని గెలిపించబోతాం. ఇవాళ పట్టణ సమావేశం చేసుకున్నాం. టాక్స్ వసూలీ ఆఖరి దిన రహనే సే ఆర్మూర్ శహర్ మే
म्युनिसिपल अहोदेदार के साथ मंडलों में और देहातों ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की टीम के साथ बरसर इख्तियार पार्टी के अरकान टैक्स वसूली में खुसूसी ड्राइव मुनाकिद किए। टैक्स वसूल का आखिरी दिन रहने से हर मकान घूमकर बकाया जात वसूल किए। शहर में म्युनिसिपल ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम करके टैक्स वसूल करने के साथ अमला हर मकान घूमकर टैक्स वसूल कर रहे। मंडल में गोगुपल्ली ग्राम पंचायत सेक्रेटरी टीम स्पेशल ड्राइव मुनाकिद की। फतेहपुर गांव में गांव के सरपंच वार्ड मेंबर्स पंचायत अमले से मिलकर टैक्स वसूल किए। 100% टैक्स वसूली से शहर के साथ अपने अपने देहातों को आगे रखने की तरह बरसर इख्तियार पार्टी के अरकान कोशिश कर रहे। टैक्स वसूल का आखिरी दिन रहने से इतवार के दिन भी अहदेदार ने टैक्स वसूली जारी रखी। आर्मी मंडल के देहातों में 100% टैक्स वसूल होने की तरह अहदेदार कार्रवाई शुरू की। आखिरी दिन रहने से टैक्स वसूली का फीसद ज्यादा हो रहा है। अहदेदारों ने बताया शहर में अभी तक 98% टैक्स वसूल हुए है। कमिश्नर ने बताया अप्रैल 11 तारीख को मुनाकिद कर रहे एमपी इलेक्शन के हिस्से में टीआरएस से जेडपीटीसी सतीश की क्यादत में मंडल मुस्तकिर बिरकुर की क्यादत में तशहीर प्रोग्राम मुनाकिद किए। इसके हिस्से के सिलसिले में हर मकान जाकर कार के निशान को वोट दे बीबी पाटिल को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा की। तेलंगाना हुकूमत में तरक्याती स्कीम जारी है अवाम को याद दिलाते हुए तशहीर प्रोग्राम मुनाकिद किए। गाँव के अहम रास्तों पर दही अवाम से टीआरएस पार्टी की तरक्की को बताकर वोट पूछे। ये तशहीर में टीआरएस मंडल पार्टी सदर रघु दही पार्टी सदर राजू ईएक्स सदर कोहली गांधी गंगाराम मन्नान पोशेट्टी नारायण रामलू युद्ध खादिम प्रसाद गंगाधर वर्कान ने हिस्सा लिए। ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుండి బీర్కూర్ పట్టణంలో ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాం। 1వ వార్డు 2వ వార్డు తిరిగి 3వ వార్డుకు రావడం జరిగింది। బ్రహ్మాండమైన స్పందన ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజానీకం పెద్ద ఎత్తున ఘన స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు। ఏప్రిల్ 11వ తేదీ జరగబోయే ఎన్నికలలో జైరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి బీబీ పటేల్ గారికి భారీ మెజారిటీ ఇస్తామని బీర్కూరు గ్రామస్తులు ప్రజలు అక్కజెల్లెళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు। వాటర్ హీటర్ అచానక్ లగ్నే సే 7 సాల లడకా షదీద్ జఖ్మీ హువా వక్త్ పర్ దవాఖానా షరీక్ కర్నే సే జాన్ కా ధోకా టలా హై। नसरुल्लाबाद मंडल लिंगम गांव में रमेश भारती का पहला लड़का विजेंद्र उम्र 7 साल नहाने जा रहा था कि वाटर हीटर दाएं हाथ के अंगूठे को लगने से हाथ जलने के साथ बकेट का गर्म पानी जिस्म पर गिरने से जिस्म का ऊपरी हिस्सा और होंठ जबड़े का निचला हिस्सा जल गया। फौरन निजामबाद सड़क रास्ते में कार में ले जाकर 108 को डायल करने से मलकापुर गाँव के पास लड़के को एम्बुलेंस में मुंतकिल किए। लड़का सही वक्त पर दवाखाने शरीक करने से कोई जान का खतरा नहीं रहा है। लड़का हॉस्पिटल में महफूज है। कामरेडी मदनूर मंडल आरटीओ ऑफिस के पास लॉरी को आग लग गई। तफसील कुछ इस तरह। कामरेडी मदनूर मंडल आरटीओ ऑफिस के पास लॉरी को आग लग गई है। महाराष्ट्र से गंगाखेड़ से तमिलनाडु जाते हुए रास्ते में लॉरी को आग लग गई। लॉरी में कपास रहने के वजह से लॉरी पूरी खाक हो गई। 11:20 को फायर ब्रिगेड को फोन करके इत्तला किए। फायर ऑफिसर कांता राव ने वहां पहुंचकर मुकम्मल आग बुझा दी गई। लॉरी आग लगने की इत्तला मिलते ही एसआई साजिद ने जवानों को लेकर नीचे ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया है। वहां के मुकामी नौजवान सरपंच गफ्फार ने भी अहम काम में हिस्सा लिया है। तेलंगाना के 16 एमपी मुकामात में टीआरएस उम्मीदवारों की तायद करने का मुनाकिद तौर पर फैसला किए। एरुकरा संगम रियासती कमेटी ने मुकम्मल तायद कर रहे हैं। निजामबाद शहर में एमपी कैंप ऑफिस में कायम के मीडिया इजलास में रियासत गिरिजन हुकूक जदोजहद समिति के रियासती कायदीन साबिक एमएलए सत्यनारायण कन्वीनर साई कुमार रामलू ने मिलकर बातचीत की। एमपी कविता की क्यादत में हमारी नस्लें कई सालों से हमदर्दी से महरूम नाख्वानदगी लापरवाही का शिकार हुई अंधराती अवाम से छुटकारा मिला है। 1 एकड़ जगह में अकाल लेवा भवन की तामीर के लिए कविता हाथ बटा रहे। ये इंतखाबात में एमपी कविता की मुकम्मल तायद करते हुए तेलंगाना में 16 एमपी मुकामात को कामयाब करेंगे बताकर मुनाकिद फैसला किए। कायदीन ने बताया राष्ट्र प्रभुत्वम एरकल जाति ने गुर्तिंची వాళ్ళకు 1 ఎకరా స్థలము మరి 1 కోటి రూపాయలు కేటాయించడమే కాదు వాళ్ళ యొక్క జీవధారణమైనటువంటి పందుల పెంపకం కానీ బుట్టల అల్లకం కానీ అనేక కార్యక్రమాల్లో భాగం చేసుకుంటాం। ఆ జాతి అభివృద్ధికి నేనున్నాను ముందుకు వచ్చి పనిచేస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇవ్వడం కాబట్టి తప్పకుండా మనకి ఇంత పెద్ద పని చేసి చేస్తానని మాట ఇచ్చిన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ సాధకుడు బంగారు తెలంగాణ స్నాపికుడు కేసీఆర్ గారికి
తప్పకుండా 16 సీట్లు ఇచ్చి टीआरएस को मिल रही इज्जत देखकर हार जाने के खौफ से कांग्रेस बीजेपी गलत तशहीर कर रहे हैं। एमपी कविता इलेक्शन तशहीर के जलसेआम में तनकीद की। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लीडर गडम आनंद रेड्डी भूमन्ना पार्टी छोड़कर इसी तरह टीआरएस में शरीक हुए, जिसे ये पार्टी की क्यादत करने वाले लीडर नापिद हो गए। इसी दौरान बीजेपी की जानिब से एमपी के मुकाबले में खड़े धर्मपुरी अरविंद सिरकोंडा मंडल में इलेक्शन तशहीर शुरू किए। कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल भी इसी तरह तैयार हुई है। कांग्रेस पार्टी कायदीन गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले टीआरएस में शरीक हुए। इसी तरह डिशपली मंडल कांग्रेस लीडर जयपाल राजेश्वर टीआरएस में शरीक हुए। ताजा साबिका एमएलसी अरकिला नरसा रेड्डी जुमा के दिन केटीआर एमएलए बाजी रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शरीक हुए, जिसे कांग्रेस पार्टी को भी सही क्यादत व लीडर नहीं रही है। इस पार्टी की तरफ से एमपी के मुकाबले में मौजूद मधु याचिकी गौड ये हल्के में अभी तक तशहीर शुरू नहीं किए। जुमा के दिन डिचपल्ली मंडल मुस्तखर में केएनआर गार्डन में निजामबाद रूरल हल्के सतह के कांग्रेस अरकान का इजलास मुनाकिद करके अपनी कामयाबी के लिए तमाम पार्टी कायदीन मुतहदा तौर पर कोशिश करें, मधु याचिकी गौड ने मुतालबा किए। पार्लियामेंट इंतखाबात में के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, होने वाले तरक्यात की जहन सारनी करा लिए। साबिका चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन जनाब आबिद रसूल शहर के प्राइवेट होटल में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब आबिद रसूल साहब साबिक चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के साथ नहीं दिया और कांग्रेस कभी भी मुसलमानों को डराकर वोट हासिल की है, और बताया कि अवाम बाखूबी वाकिफ है हुकूमत तेलंगाना के तरक्यात के कामों से, और कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम होशियारी से अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक सही और सेकुलर एमपी को इख्तियार पर लाने की बात बताई। हुकूमत तेलंगाना ने अवाम को कई तरक्यात के कामों में साथ दिया है। इस प्रोग्राम में जनाब आबिद रसूल के अलावा कई और मौजूद थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी, कोई फास्ट ट्रैक करके गुजरात में जो कत्लेआम हुआ था वहाँ के जो कल्प्रिट से जो एक्यूज थे उनको कोई सजा नहीं दी गई, और आज यही लोग पूरे जेलों से रिहा हो रहे हैं बीजेपी की हुकूमत में। विटनेसेस को ख़त्म करके, एविडेंस को ख़त्म करके आज फिर से अपने पूरे केसेस बहाल कर लिए हैं। तो अगर कांग्रेस चाहती तो ये 10 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट रख के और एक इंक्वायरीज करा के एक जस्टिस दे सकती। बाद में मैं खुद भी डिमांड किया हूँ और कई लोग डिमांड किए हैं कि माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए। ये बिल बनाया गया, पार्लियामेंट में रखा गया 2011 में, उसके बाद फिर 2013 में फिर से रखा गया मगर पास नहीं किया गया, कहीं लाकर ड्रॉप कर दिए। न्यूक्लियर बिल पास हुआ मगर माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हुआ। आज माइनॉरिटी कमीशन के बाद भी हम ये बिल तैयार करके हुकूमत को दिए थे, वहाँ भी पास नहीं हुआ। अगर ये बिल पास होता तो मुसलमान क्रिश्चियन और दलित के लिए एक प्रोटेक्शन होता था। जो लोग दंगे करते थे वो लोगों की जायदादें जब्त होती थी, पुलिस ऑफिसर्स को क्रिमिनल केसेस में बुक किया जाता था जहाँ सही काम नहीं करे, और एक हमारे लिए एक सुकून का माहौल होता था। ये चीज़ कांग्रेस पार्टी नहीं की, 60 साल में मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम पे महरूम रखते हुए खाली गुमराह करे। राजेंद्र सचार कमेटी रिपोर्ट ले लीजिए आप, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ले लीजिए, ये बताए हैं कि आज हम दलित से भी पीछे हैं और कोई तरीके से भी हम एजुकेशन में भी हम आगे नहीं बढ़े। आज टीआरएस गवर्नमेंट में 266 स्कूल कायम किए गए हैं, 61,000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं स्कूलों में, और आले से आले तालीम मिल रही है। शादी मुबारक के अंदर मुसलमान बच्चियों को शादी के लिए जो मदद की जा रही है, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में पहली बार है। जो बूढ़े हैं उनको, जो अपाहिज हैं उनको 2,500-3,000 रुपये पेंशन घरों तक पहुँचाया जा रहा है, और साथ ही साथ फॉरेन स्टडीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है ग्रांट के लिए। 12% रिजर्वेशन के ऊपर भी हम कायम हैं, और ये MP जो हमारे जीत के आएंगे उनको हम नुमाइंदगी करेंगे, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये MP पूरी कोशिश करेंगे कि 12% रिजर्वेशन भी हासिल हो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में। ये सब चीज़ को हम रखते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आज का ज़माना जो है स्टेट को स्ट्रांग करने का। निजामाबाद TRS MP उम्मीदवार की कविता निजामाबाद रूरल हल्के में इलेक्शन तशहीर जोरों पर जारी है। रूरल हल्के में दरपल्ली मंडल में खायम के जलसेआम में MP कविता ने हिस्सा लिए। पहले रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की क्यादत में 1 किलोमीटर लंबा भारी बाइक रैली से MP कविता का
नौजवानों ने जबरदस्त इस्तकबाल किए। एमपी कविता जलश्याम के पास पहुंची है। गिरिजन खवातीन ने मजीद खुशी भर दी। एमपी कविता को फूलों के बारिश व बोनाल से खवातीन ने शानदार इस्तकबाल किए। बाद में गिरिजन खवातीन से मिलकर एमपी कविता ने डांस की। इस सिलसिले में वे जलश्याम में एमपी कविता के साथ रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड, साबिका एमएलसी अर्किला नरसा रेड्डी और दीगर ने हिस्सा लेकर खिताब किए। एमपी कविता ने बताया कि अब हो रहे इंतखाबात में मरकज की गर्दन झुकाकर फंड्स लाकर तरक्की कर सकते हैं। बीजेपी व कांग्रेस को अच्छा सबक देने का वक्त आया है। कविता ने अपील की, कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। ఇక్కడే తాండాలు ఉన్నాయో ఆ తాండాలలో భూములు కానీ మరి ఇతర వాళ్ళ భూములు కానీ టోటల్ గతంలో పాస్బుక్ ఎంత ఉందో ఆ పాస్బుక్ కొత్త పాస్బుక్లో రావడం మీద బాధ ఉంది వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా రెండు నెలల్లో ఎవరికైతే భూములు కొత్త పాస్బుక్ ఎక్కలేదో వాళ్ళందరూ రెండు నెలల్లో మొత్తము కొత్త పాస్బుక్ ఎక్కించే పరిగెత్తున్నారు మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా చూస్తున్నామా తాండాలు దాదాపు 8 తాండాలు గ్రామ పరిషత్ మండలం ఆ తాండా వాళ్ళకు సంతోషం వాళ్ళకు మా తాండ మా గ్రామ పరిషత్ మా తాండ మేము పరిపాలించుకున్నారు. అదేవిధంగా మేనేజర్లు ఉన్నారు అందరికి కూడా మద్దతు కానీ మందిరు కానీ మందరికి కూడా సాయం చేసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. అలాంటి తరుణంలో ఎవరో చెప్తారు తన మీద చెప్తారు మోడీ అడ్వేస్తున్నారు మోడీ చేస్తే విదేశాలు చేస్తుంటారు బాబు మా దేశం చేయడలే. పార్లమెంట్ ఎన్నికలంటే మొన్న శాసనసభ ఏ విధంగా వన్ సైడ్ ఎన్నికలు జరగడం జరిగిందో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కూడా అదే విధంగా మరి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ తో సహా 16 పార్లమెంట్ మరి గెలుస్తారని ఎలాంటి అనుమానం లేదు. ప్రజలంతా వన్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలంతా తెలంగాణ మన రాష్ట్రం మన ప్రాంతం మన నాయకుడు అనేటువంటి ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి వేరే పార్టీలో ఉంటే ప్రజాసేవ చేయలేము ప్రజల్లో నిరంతరం ఉండే వ్యక్తులం కాబట్టి ప్రజలు ఏ దిక్కుమని ఆలోచిస్తే ఆ దిక్కుండే ఏ పార్టీ అయితే అభివృద్ధి చేస్తుందో ఆ పార్టీ దిక్కుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈరోజు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ కెళ్ళి కాంగ్రెస్ నుంచి మరి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఎంపీ గారు కానీ ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే కానీ ఒకటే విజ్ఞప్తి ఇక్కడ ప్రజల కోరిక ఒకటే మరి 21-20 ప్యాకేజ్ పూర్తి స్థాయిలో చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. ఒక సంవత్సరంన్నర కాలంలో మన దర్పల్లిలో ఉన్న పొలాలన్నిటికీ కూడా తప్పకుండా నీళ్లు వస్తాయి. పైప్ లైన్ పని ఆల్రెడీ వేరే మండలాల్లో ప్రారంభమైంది అది మన దగ్గర కూడా తొందరలోనే వస్తుంది. అదేవిధంగా మీకు తెలుసు కరెంటు ఇవాళ 24 గంటలు కరెంటు ఉంటుంది. పొలాలకు ఉచితంగా 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నాం. ఎట్లా ఇస్తున్నాం ఉత్తగానే అవుతుందా అన్నం డైరెక్ట్ అవుతుందా అమ్మ బియ్యం గడగాలి ఉడకబెట్టాలి పొయ్యి మీద పెట్టాలి అప్పుడు కదా అన్నం అవుతుంది. ఇవాళ కరెంట్ 24 గంటలు వస్తుందంటే ఏం పని చేసింది వస్తుందా? ఎన్నడూ సబ్స్టేషన్లు ఇవ్వపోదురు ఊర్లకు తిరగంగా సబ్స్టేషన్లు ఇద్దరు. ఇవాళ మన మండలంలో దమ్మనపేట కావచ్చు అన్సాన్పల్లి కావచ్చు గౌరారం కావచ్చు అక్కడ సబ్స్టేషన్లు పెట్టుకున్నాం. అనేకమైనటువంటి కొత్త కరెంట్ వైర్లు గుంజినాం కొత్త లైన్లు వేసినాం వేస్తే ఇవాళ 24 గంటల కరెంటు ఇళ్లలోకి వస్తుంది 24 గంటల కరెంటు ఉచితంగా పొలాలకు వస్తుంది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు గమనించింది అంటే మీరు చూసారు మమ్మల్ని పోయిన 5 ఏళ్లలో వీళ్ళ సంగతి ఏంది వీళ్ళ కథ ఏంది వీళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తారు వీళ్ళ వ్యవహారం ఎట్లుంటుంది అన్ని ఆలోచన చేసింది. మీకు తెలుసాక ఊర్లల్లో చిన్న చిన్న పదవులు వస్తాయి కొంతమందికి రాగానే ఏం చేస్తారు నిన్నటి దాకా అన్న అన్న తిరిగిన వాళ్ళు పేరు పెట్టి విలుసుడు చురు చేస్తారు. నిన్నటి దాకా మామూలు బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళు జీన్స్ ప్యాంట్ వేసి తెల్ల షర్ట్ వేసి నల్ల కండ్లద్దాలు పెట్టి అసలు మనని గుర్తుపట్టనట్టే చూస్తారు అవునా కాదా? మరి ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వాళ్ళు జెడ్పీటీసీలుగా గెలిచిన వాళ్ళు అదేవిధంగా అనేకమైన పదవులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలలో వచ్చిన వాళ్ళం మీ ముందుండి మీకోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం. మిమ్మల్ని నేను వినమ్రంగా చేతులు జోడించి నమస్కరించి కోరేది ఒకటే ఇవాళ మీరు పోయినసారి ఓటేస్తే మీకోసం పనిచేసినామని మీకు అనిపిస్తే మళ్ళా ఈసారి ఎలక్షన్ వచ్చింది వచ్చినటువంటి ఎలక్షన్లో నేనే పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా నిలబడి ఉన్నా కాబట్టి
మీరందరూ కూడా దయచేసి కారు గుర్తుకు ఓటేసి మరి నన్ను గెలిపించవలసిందిగా వినమ్రంగా నమస్కరించి మిమ్మల్ని అందరిని కూడా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. నిజామాబాద్ రూరల్ హల్కే మే ఫిల్ వక్త్ మౌజూద్ సియాసీ సూరత్హాల్ సే కాంగ్రెస్ బీజేపీ కో ఖియాదత్ కీ కమీ పైదా హుయీ హై. माफी पार्टी उम्मीदवार से वो आगे है. तेलंगाना रियासत हासिल करने के बाद पहली बार 2014 में वे निजामाबाद पार्लियामानी मुकाम पे खड़े. कविता को जब अपने खरीब कांग्रेस उम्मीदवार मधु याश्वी गौड पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, बाद में 4.5 साल दौर में निजामाबाद पार्लियामानी हदूद में मौजूद बालकुंडा बोधन आर्मुर निजामाबाद रूरल निजामाबाद अर्बन कोरिटला जगत्याल हल्कों में अवाम की जरूरत के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए फंड्स मंजूर करा के तरक्की में हाथ बटा. इसी दौरान अब दूसरी बार एमपी के मैदान में खड़े कविता अपनी सियासी शौर्य मनसूबा बंद तरीकों से इलेक्शन शेड्यूल तैयार कर लिए है. असेंबली हल्के जात के लिहाज से देहात में इलेक्शन तशहीर करने का आगाज किए. इसके हिस्से में निजामाबाद रूरल हल्के के 7 मंडलों में 5 दिन तक इलेक्शन तशहीर करने की तरह वो मनसूबा तैयार किए. ये मनसूबे के मुताबिक इस माह की 24 तारीख को एमपी उम्मीदवार कविता एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन एमएलसी वीजी गौड आकुल ललिता से मिलकर पहली बार सिरकोंडा मंडल में तशहीर शुरू किए. देहातों में रोड शो किए, बाद में सिरकोंडा मंडल मुस्ताखर में खायम के जलसाम में हिस्सा लिए. इस माह की 28 तारीख को डिचपल्ली मंडल में रामपुर गांव में इलेक्शन तशहीर किए. यहां हजारों की तादाद में आए अवाम से खायम के जलसाम को कविता खवातीन को रागब करने की तरह अपनी तकरीर जारी रखे. बाद में इस दिन इंदलवई मंडल में इलारेडीपल्ली देहातों में तशहीर जलसाम किए. फिर अवाम दुआएं दे मस्जिद तरक्की करके दिखाऊंगी तशहीर जल से आम में वो अवाम से मुतालबा किए. इस माह की 31 तारीख को दरपल्ली मंडल में होनाजी पेट दरपल्ली मंडल मुस्तखर में कविता ने इलेक्शन तशहीर में हिस्सा लिए. अप्रैल 2 तारीख को निजामाबाद रूरल मंडल में कुंडराम मोपाल मंडल मुस्तखर में इलेक्शन तशहीर के जल से आम में वो हिस्सा लेंगे. अप्रैल 4 तारीख को पड़गल मुनिपल्ली जकरानपल्ली मंडल मुस्तखर में हो रहे इलेक्शन तशहीर जल से आम में कविता एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन एमएलसी वीजी गौड से मिलकर हिस्सा लेंगे. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखल आपके लिए. इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है. मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है. किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता. इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है. सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती. तारीख के हिस्सास इंसानों ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा. जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहिसी चाहिए. मुसीबत अगरचे इंसान को दौलत नहीं देती मगर अकल जरूर देती है. कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और ये जिंदगी तुम्हारे पास मौजूद है, तो उस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद और किसी के काम आने में लगाओ. बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं. लोग कहते हैं रिश्तों में शुक्रिया और माजरत नहीं होती, लेकिन दरहकीकत यही दो अल्फाज रिश्तों को बचाते हैं. इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज के अहम सुर्खियों पर. तेलंगाना रियासत कायम होने से पहले सैराबी के लिए परेशान रहे, अब हमारी रियासत में कई तरक्याती काम कर रहे हैं. एमपी कविता के साथ 16 सीटों पर कामयाब करे वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपील की.
आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में जिले एमपी टीआरएस के उम्मीदवार कविता को आरमल हलके से भारी अक्सरियत देंगे। आरमल मिले जीवन रेड्डी। रियासत में जात पात के बगैर तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर केसीआर है। निजामबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता। वाटर हीटर अचानक लगने से एक 7 साल लड़का शदीद जख्मी हो गया। वक्त पर दवाखाने शरीक करने से जान का धोखा टला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।